हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी शाम की वक्त है। मैं जो है अभी अभी अपनी बेटी को डांस क्लास छोड़ के आई हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत जो है थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा आँखों में इन्फेक्शन हुआ है, अभी थोड़ा ठीक है। तो अभी जो है उसको मैं डांस क्लास छोड़ के आई हूँ अभी, क्योंकि वहाँ एक्चुअली पार्किंग का कोई जगह नहीं है। सो मैं ऐसे तो चल के जाती हूँ, पर क्योंकि आज मेरा तबीयत जो है थोड़ा ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं कार लेके गई थी और वहाँ कोई पार्किंग नहीं था, इसलिए मैं चली आई। फिर से जाऊँगी उसको लाने। तो अभी शाम का टाइम है और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो इवनिंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूँगी जितना हो सके शेयर करने की। तो अभी एक्चुअली यहाँ पे जो है गर्मी जो है बहुत बहुत ज़्यादा है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई फिर से। और मेरे पता नहीं आँखों में क्या हो गया, कुछ इस आँख में कुछ इन्फेक्शन हुआ था। आज तो बहुत ठीक हालत है, लेकिन 2 दिन बहुत ही परेशानी में थी। तो अभी वो डांस क्लास से आ जाने के बाद हम लोग जो भी इवनिंग का रूटीन है, रात का खाने के थोड़ा मतलब प्रिपरेशन तो मैं करके रखी हूँ, थोड़ा बहुत बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर आने के बाद उसको लेकर चाय वाय पीने हैं। तो मैं सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ मेरी बेटी को लाने के बाद। हाय गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ मेरी बेटी को लेके, और अभी हम दोनों बैठे हैं, मेरी बेटी और मैं बैठी हूँ। हाय कुत्ता। अभी मैं और मेरी बेटी बैठी हूँ। तो बेटी को जो है नेल पॉलिश लगाना है, नेल पेंट। बहुत दिनों से बोल रहा है तो मेरे को टाइम नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा आज ही लगा दूँ। तो इसलिए ये 2 कलर का नेल पेंट है, कौन सा लगाना है? मुझे ग्रीन लगाना है, पिंक बहुत बार लगा चुकी हूँ, अभी ओके ग्रीन। तो उसे ये ग्रीन कलर लगाना है। ग्रीन तो कभी नहीं तो लगा। मैं अभी उसे नेल पेंट लगाऊंगी और उसके बाद जाके मैं चाय वगैरह पीऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो हम लोगों ने नेल पॉलिश लगा लिया, मैंने लगाया पिंक कलर का, बहुत ही लाइट शेड में। और मैंने लगाया है डीप ग्रीन का नेल पॉलिश। मेरा तो काम करते करते ही पूरा उठ जाएगा ये हाथों में, ये हाथ में अच्छे से लगाया। तो अभी ये थोड़ा सूखेगा और थोड़ा सूखने के बाद फिर मैं जाके चाय बनाऊंगी, फिर हम लोग चाय पियेंगे। फिर चाय पियेंगे और इसने तो दूध पीना बंद कर दिया शाम को। फैंटा बंद कर दो। इसने तो दूध पीना बंद कर दिया शाम को। मैंने पहले जब स्कूल रहता है तो एकदम पूरा रूटीन जैसा रहता है, मतलब शाम को बॉर्नविटा मिल्क बिस्किट लेता था, पर अभी तो चेंज हो गया। अभी बोल रहे कि छुट्टी है तो वो सब कुछ नहीं है, उसे कुछ और चाहिए, तो वो जो खाएगा उसको दूंगी। तो अभी ये नेल पॉलिश फिलहाल सूख जाए और उसके बाद मैं जाके चाय बनाऊंगी। और आप सब बताइए, आप सब लोग कैसे हैं? और अब जहाँ जहाँ रहते हो वहाँ बारिश शुरू हुई कि नहीं? यहाँ पे तो एक दिन हुआ, फिर अभी बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो गर्मी जो है बहुत है। तो अभी जाके चाय बनाऊंगी। तो चाय बना के फिर मिलती हूँ। तो अभी हम लोग जो है चाय पी रहे हैं और मेरी बेटी भी मेरे साथ चाय पी रहे हैं, और साथ में हम लोग खा रहे हैं ये निमकी। इसको बंगाली में निमकी बोलते हैं। तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, उसके मंगाया था। ये बंगाली एक स्नैक्स है, निमकी बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो अभी हम लोग माँ बेटी चाय पी रहे हैं और थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, डांस क्लास में क्या हुआ ना हुआ इस बारे में। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, फिर चाय ख़त्म करने के बाद थोड़ा डिनर बनाना है तो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग चाय पी लेते हैं। नॉर्मल कथा बोलो मैं।
तो अभी जो है मैं डिनर बनाने किचन में आ चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ एक्चुअली मैं बंगाली में बोलते हैं चना चना डाल को छोला डाल, तो वो छोला डाल बना रही हूँ बंगाली मतलब रेसिपी छोला डाल। और एक चीज़ बना रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ चिकन था मेरे पास बोनलेस चिकन, तो उसको मैंने सुबह ही मैंने मैरिनेट करके रखा था, उसमें कार्ड और जो भी मसाले हैं अदरक प्याज लहसुन पेस्ट और जो भी सूखे मसाले सब कुछ देखे मैं सुबह उसको मैरिनेट करके नॉर्मल फ्रिज में रखी थी, तो उसको मैं अभी जस्ट कुछ नहीं ऑयल में उसको जस्ट फ्राई जैसा कर रही हूँ, तो बहुत टेस्टी बनता है। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए आज मैं वही बनाऊँगी और चने का दाल, और रात के लिए मैंने आटा जो है वो गूंथ के रखा है, तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ मेरा जो है चने का दाल, मैं जिसको बोल रही थी छोला दाल, वो अभी बॉयल हो मतलब बॉयल हो गया, उसके मैंने तड़का भी लगा दिया, तो अभी वो थोड़ा सा और मैं उसको बॉयल कर रही हूँ। और ये ओबली चिकन जो मैं सुबह जिसको मैरिनेट करके रखी थी, उसमें सब कुछ है, दही है, जो सारे मसाले हैं सूखे मसाले सबके साथ मैरिनेट करके रखी थी, अभी सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ सफ़ेद जो ऑयल है वाइट ऑयल में उसको फ्राई जैसा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है आटा गूंथ के अभी रखा है, इसको रोटी बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी, अभी बनाऊँगी तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो रात को जब हम डिनर करेंगे उससे पहले बनाएंगे। तो ये रही मेरी आज की डिनर की प्रिपरेशन, सब्ज़ी जो है वो मैं बना के रखूँगी, बाकी जो चीज़ है वो मैं खाने के टाइम मतलब रोटी में खाने के टाइम बनाऊँगी। ये थी मेरे आज का इवनिंग ब्लॉग, अभी जो है डिनर बन चुका है और रोटी बनाना बाकी है, वो मैं हम लोग जब खाएंगे, हम लोग को खाने डिनर करते हुए थोड़ा रात हो जाते हैं, और तो आज तो सैटरडे है तो और भी लेट होगा, इसलिए अभी नहीं बनाएंगे, जब खाएंगे तब बना लेंगे, गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। तो अभी मेरा जो डिनर का कंप्लीट हो गया काम, तो अभी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल को देखा वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब जो बेल बटन आता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।